नमस्कार। हमने प्रायिकता बंटन फलन की परिभाषा देखी थी, हम इसे पुनः परिभाषित कर रहे हैं केवल सरलता के लिए। इस विषय में हम अधिक बात करेंगे। हमने देखा था कि किसी यादृच्छिक चर चर x का प्रायिकता बंटन फलन fx द्वारा दिया जाता है, जहां fxx का अर्थ है x के बड़े x के छोटे x से कम अथवा उसके बराबर होने की प्रायिकता। यह प्रायिकता बंटन फलन का की परिभाषा थी एवं हमने यह देखा था किसी असंतत यादृच्छिक चर x के लिए यह है, यह उसके प्रायिकता द्रव्यमान फलन के रूप में इस प्रकार दिया जा सकता है। अब इस प्रायिकता बंटन फलन, जिसे कि अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अथवा CDF कहा जाता है, इसके गुणधर्म कुछ इस प्रकार हैं। पहला, fxx अथवा CDF एक अरासमान फलन है, नॉन यह एक अह्रासमान फलन है, अर्थात इसका ह्रास नहीं होता। अर्थात यदि ए बी से निश्चित रूप से कम है, तब fx a fx b से कम अथवा उसके बराबर होगा। अह्रासमान का अर्थ है कि इस फलन का ह्रास नहीं होता x के बढ़ने के साथ। यह सिद्ध करना सरल है। हम देख सकते हैं कि यदि a एवं b वास्तविक संख्याएं हैं एवं a सत्य है, तब यह समुच्चय a इस समुच्चय b का उपसमुच्चय होगा। यह सरल है। अब क्योंकि यह इस समुच्चय b का उपसमुच्चय है, हमारे लिए यह देखना सरल है कि यह घटना इस घटना का एक उपसमुच्चय है एवं अर्थात यह सिद्ध हुआ। अर्थात fxx एक अह्रासमान फलन है। यहाँ पर इसके साथ साथ हम एक ह्रासमान फलन और एक वर्धमान फलन का अंतर भी बता देते हैं। वर्धमान फलन अथवा इंक्रीजिंग फंक्शन वह है जहाँ पर a के b से कम होने पर f a f b से कम होगा। अह्रासमान
फलन नॉन डिक्रीजिंग, फंक्शन वह है जहां यह बराबरी एफ ए और एफ बी के बराबर होने की संभावना एक ह्रासमान फलन को एक वर्धमान फलन से अलग करती है। अगला, सीमा एक्स अनंत की ओर एफ एक्स एक्स बराबर है एक, अर्थात यदि एक्स एक वास्तविक संख्या है तब x का अनंत से कम होना एक निश्चित घटना है, अर्थात यह सिद्ध हुआ। दूसरा गुणधर्म इस प्रकार सिद्ध हो सकता है, सीमा x माइनस अनंत की ओर अथवा ऋणात्मक अनंत की ओर शून्य। अब कोई भी यादृच्छिक चर से कम नहीं अर्थात यह एक असंभव घटना है, यह सिद्ध हुआ। चार, एफ एक्स एक्स दाहिनी ओर से संतत फलन है, अर्थात सीमा यह है। गुणधर्म हमें बेहतर रूप से तब समझ आएगा जब हम एक बार हम असंतत एवं संतत यादृच्छिक चरों को ठीक से समझ लेंगे। एवं अंत में हम यह लिख सकते हैं, हम यह लिख सकते हैं एवं इसी सूत्र का पहला भाग यदि हम इधर ले जाएं तब यह भी सरल था। एवं इसी के साथ असंतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में प्रायिकता बंटन फलन के गुणधर्मों की हमारी चर्चा समाप्त होती है। अब हम संतत यादृच्छिक चरों के विषय में बात करेंगे जो कि हम अगले व्याख्यान से आरंभ करेंगे। धन्यवाद।